सो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे मोतीसन ज्वेलर्स को लेकर। मोतीसन ज्वेलर्स में एक अपडेट आई और एक अपडेट के चलते जो स्टॉक है वो 20% के अपर सर्किट में लॉक हो गया। क्या यहाँ से स्टॉक में और रैली बनते हुए नजर आएगी या फिर जो स्टॉक है वो ऊपर के भाव से टूट सकता है? क्या हमें जो अभी यहाँ पर स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? क्या यहाँ पर जो अभी अलर्ट रहना चाहिए या फिर जो स्टॉक के टारगेट ऊपर में वो और कहाँ तक जा सकते हैं? क्या अपडेट आई है सेबी और एक्सचेंजेस की तरफ से, उसके ऊपर चर्चा करते हैं सबसे पहले, फिर डिस्कस करेंगे इसके आगे के मोमेंटम को लेकर। यहां पर आप लोग देखोगे भी 9.3 मिलियन वॉल्यूम यानी कि 93 लाख के आसपास वॉल्यूम, 157.55 रुपए के भाव यानी 20% के अपर सर्किट में जो शेयर है वो लॉक हो चुका है। तो चलिए अभी जानते हैं डिटेल में आखिरकार क्या कारण रहे हैं इस तेज़ी के। पिछले कुछ दिनों से जो स्टॉक है वो लगातार 88 के आसपास गया था, अभी वहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक में कितनी शानदार तेज़ी, 88 से जो अभी स्टॉक 157 के भाव में आ गया। बहुत शानदार रैली स्टॉक में बनी है लगभग 80-90% के करीब की, और आगे कैसी रहेगी ये चाल, तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इसका जो अपडेट आई है वो क्या है और उसके बाद इसके टारगेट देखेंगे आगे के। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी NSE के उस वेबसाइट के ऊपर हिस्टोरिकल सर्वेलांस एक्शन, ठीक है, तो इसके अंदर हमें क्या देखने को मिला है, अभी जो कंपनियों की प्राइस रेंज है ना वो चेंज होते हुए नजर आई है, और उसी के कारण आप लोग देखोगे यहाँ पर जो है बायर्स तो पहले से ही एक्टिव थे, पर डे 5-5% के जो ना अभी अपर सर्किट स्टॉक में हमें देखने को मिल रहे थे, तो उन सबको देखते हुए स्टॉक में बायर्स तो थे, लेकिन उसके बाद जो ऐसे 20% की लिमिट हुई तो और बड़े निवेशक यहाँ पर आ गए हैं, जिसकी वजह से आप लोग देखोगे भी यहाँ पर जबरदस्त खरीदारी हुई और मार्केट में भी जबरदस्त रैली बनी हुई है। ये एक बड़ा कारण रहा है, तो मार्केट में तेजी, ऊपर से आप लोग देखोगे यहां पर जो प्राइस बैंड है ना वो चेंज हुआ है अभी एक्सचेंजेस की तरफ से, सेबी की तरफ से ये बड़ी अपडेट आई है। तो 9 तारीख को किस किस कंपनियों के प्राइस बैंड चेंज होते हुए नजर आए वो यहां पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर कंपनियों के नेम है और यहाँ पर आपको जो ना अभी किस प्राइस बैंड से कितने प्राइस बैंड में गई है वो देखने को मिला है। तो हम डिस्कस करेंगे मोतीसन ज्वेलर्स को लेकर। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी जो मोतीसन ज्वेलर्स का जो हमें देखने को मिला है तो वो यहाँ पर जो ना अभी 5% से लगभग आप लोग देखोगे भी 20% हो गया है। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा है अभी इस स्टॉक में जबरदस्त रैली का। तो मोतीसन ज्वेलर्स के अंदर 5% से 20% की जैसी सर्किट लिमिट हुई तो ये 20% के सर्किट में पहुँचा, तो ये सबसे बड़ा रीज़न रहा है आज के दिन तेज़ी का। और यहाँ पर आपको जो ना समझने की ज़रूरत है, अगर आपकी पहले से होल्डिंग अच्छा खासा प्रॉफिट्स यहाँ पर आपको हुआ इस कंपनी के अंदर तो यहाँ पर स्टॉप लॉस बगैर मत चलना अभी के टाइम, ठीक है। स्टॉक में काफी शानदार तेजी बन चुकी है, 32 की रेंज में आईपीओ आया था अभी आपने देखा होगा, और उसके बाद तो आप लोग 55 की रेंज में सॉरी, और वहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक कहाँ पर पहुँचा हुआ है। तो यहाँ पर बिल्कुल सावधानी बरतनी है, आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए एक बार चार्ट और देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक में काफ़ी शानदार मोमेंटम आज के दिन हमें देखने को मिले, 20% का सर्किट यहाँ पर लगते हुए नजर आए। ऐसे में आपको 150.90 रुपये का नीचे में सपोर्ट पकड़ना चाहिए, सेकंड सपोर्ट है 150.76 और थर्ड 143 और फिर 140 के आसपास, तो ये 3-4 सपोर्ट है, इनके ऊपर अपनी नज़र बनाए रखिए। और स्टॉक में रैली के पीछे का रीज़न आपका क्लियर हुआ होगा, आई होप आपके सारे डाउट जो अभी स्टॉक को लेकर दूर हुए होंगे। अगर स्टॉक 150 के ऊपर में है तो अपनी होल्डिंग यहाँ पर बनाए रखो भाई, स्टॉक में तेजी बरकरार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इस सिचुएशन में प्रॉफिट बुकिंग होने लग गए ना तो स्टॉक के अंदर जो एक बिग होल भी बन सकता है, इसलिए बिल्कुल अलर्ट रहना है, नीचे में विदाउट एसल बिल्कुल नहीं चलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।